जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम अशरण शरण शरण प्रभुले कहीं जो को पविधाता गुरु रूठे नहीं को जग त्राता गुरु के वचन प्रतीतन जाई सुख मन सुख सिद्धिताई ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव तो सदगुरु की हाथ अलग लागी सदगुरु की हाट अलग लागी ओ वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे लेवेगा कोई बड़ भागी सदगुरु की हाट अलग लागी। बहुत दूर दराज में है हाट लेकिन व्यापारी अवश्य पहुंचे। आए व्यापारी सौदा करी गए जन्म जन्म के अनुरागी सदगुरु की हाट अलग लागी। पड़े रहे मैदान गढ़ी में सकल कामना जिन त्यागी सदगुरु की हाट अलग लागी। कहे कबीर सुनो भाई संतों ओ भक्ति भीख उन से मांगी सदगुरु की हाट अलग लागी। भगवान राम जब तक अयोध्या में थे एक भी महात्मा से भेंट नहीं हुई। एक महात्मा विश्वामित्र वो भी भयंकर ताड़का वंश से पहुंचे थे और फिर लौट गए वहीं पर। संत लोग एकांत में रहते हैं किंतु जब राम ने वन में अरण्य में प्रवेश किया तो भरद्वाज ऋषि प्रयागराज भरद्वाज ऋषि ने राम जी को विदा करते हुए कहा राम इस पगडंडी से चले जाओ आगे जमुना मिलेगी और जमुना के पास तमाम लकड़ियां गिरी पड़ी हैं लताओं से बांध कर बेड़ा बना लेना और हिला डुला के देख लेना पहले सीता जी को बैठा लेना सामान रख लेना और दोनों भाई खेत चलाते हुए उस पार चले जाना। उस पार एक श्याम भट्ट है वहां प्राय यात्री विश्राम किया करते हैं बड़ी पवित्र जगह है विश्राम करना। सीता चाहे तो परिक्रमा कर सकती है अन्यथा कोई बात तो जिस इलाहाबाद में चींटी की तरह आदमी चल रहे हैं वहां हाथी चिंगाड़ रहे थे शेर दहाड़ रहे थे और इतना भयंकर जंगल था बगैर कुल्हाड़ी के अपने ही गिरी हुई तमाम लकड़ियां पड़ी थी घनघोर जंगल। प्रवेश के साथ वन प्रवेश के साथ भरद्वाज आगे बाल्मीक अत्रि और महासती अनसुईया फिर तमाम ऋषियों के आश्रम फिर मिल गए सर्वभंग सुतीक्षण अगस्त सबरी मतंग महात्माओं की लाइन लग गई। वहां साधना से तो परम सुखी थे किंतु उत्पात उनके पीछे कम नहीं था। असुर लोग किसी को साधना से लापरवाह पाते थे तो उसको खा लिया करते थे। अगस्त अत्रि सर्वभंग सुतीक्षण ये ऐसी विभूतियां थी जिनके ऊपर निशाचरों का पावर नहीं काम करता था। तो संतों की और वो परम विवेकी
योगेश्वर ये सदगुरु थे, इनकी हाट संसार से बस्तियों से अलग थलग शांत एकांत में। काग भूषण जब गुरु की तलाश में निकले तो जहां जहां विपिन मुनि स्वर पावो, अरे मुनि तो काशी में 10,000 मिल जाएंगे, प्रयाग में भी मिल जाएंगे, हर गांव में एक कुटिया है, लेकिन काग भूषण वहां नहीं ढूंढा, विपिन में ढूंढा। जहां जहां विपिन मुनि स्वर पावो, आश्रम जाए जाए सिर नावो, पूछो तिन्ही राम गुण गाहा, कहें सुनो सादर खगनाहा। उनसे राम की गुणगान पूछता था, वो सादर कहते थे मैं सादर सुनता था, लेकिन संतोष कहीं नहीं हुआ। सने सने घूमते हुए लोमस ऋषि के पास पहुंचे। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस से आसीन, जाय चरण सिर नायऊं, वचन कहूं अति दीन। कुछ झड़प के पश्चात उनके विश्वास हो गया, लोमस जी को की अधिकारी है। फिर पहले तो श्राप दिया, फिर हर्षित राम मंत्र मोहि दीना, बालक रूप राम का ध्याना ध्यान दिया, और मुनि मोहि कछु कालता राखा, रामचरित मानस तब भाका, रामचरित मानस सुनाया। और मानस ये रामायण नहीं है, मानस सुना के अंत में बोले कि रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। ये अत्यंत गोपनीय है, कोई नहीं जानता संसार में। रावण मरा तो दीप जलाए, लोगों ने खुशियां मनाई, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, तीनों लोगों का शोक खत्म हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई। ये यदि केवल ऐतिहासिक घटना थी तब तो संसार ने दीप भी जलाए, खुशियां भी मनाई, सब जान गए। शास्त्र दो दृष्टियों से लिखा जाता, इतिहास को कायम रखना, घटना अवश्य घटी, इतिहास को कायम रखना, पूर्व जिससे कि पूर्वजों के पद चिन्हों पर लोग चल सके, मर्यादित जीवन जी सके, लेकिन कुशलता पूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरे कर देने से कल्याण संभव नहीं। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। हर जीव माया के आश्रित थे, माया जैसा चाहती नाच नचाती है, इस माया के चंगुल से निकालकर आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर देना, आत्मा के संरक्षण में खड़ा कर देना, उन्हीं के निर्देशन में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और प्रवेश स्थिति दिलाना मिल जाए, ये अध्यात्म की चरमोत्कृष्ट सीमा जब स्थिति मिल जाए, इसका नाम है अध्यात्म। ये अत्यंत गोपनीय, ये वाणी से न कहने में आता न लिखने में। इसलिए लोमस ने कहा, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। अत्यंत गोपनीय परम सुहावना है, शंकर जी की कृपा से हमने प्राप्त किया, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। तुमको हमने राम का अंतरंग भगत समझा, इसलिए विस्तार से वर्णन करके कहा, तुम भी ध्यान रखना, राम भक्ति जिन के उर नाही, कब हुन तात कहिए तिन पाही। जिसके हृदय में राम भक्ति न हो उसे कभी मत कहना, भूल के मत कहना, कहिए न कामी क्रोधी लोभी। आप बताओ, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कुछ है आपके पास? राग है, द्वेष है, अब अपना बताई, हम कैसे कहें? वो एक शास्त्र ऐसा जो गोपनीय है, ऋषि परंपरा में चला आ रहा था, तो पहले नाम एक, रूप दो ध्यान, रूप दो ध्यान, और ये ब्रह्म विद्या राम कथा तीन, साधना के तीन अंग दिया। तो लोमस और काग भूषण ने जब निवास बनाया तो वो भी एक शिखर पर, बीच में सुंदर तालाब, घनघोर जंगल, नीलगिरी पर्वत पर तालाब, जलाशय, चार वृक्ष, बीच में आश्रम, हंसी लोग कथा श्रवण करने जाते थे। तो महापुरुष जितने भी सृष्टि में हुए हैं आज तक आदि काल से, जंगलों में हुए, घरों में कभी नहीं। घरों में साधना होती है, भजन होता है,
खेती करते हुए, खुरपी चलाते हुए, लड़का खिलाते हुए, ने काम छोड़ो, ने क्रोध छोड़ो, ने मोह छोड़ो, एक प्रभु से रिश्ता जोड़ भर लो, लेकिन रास्ता की धारा सही होनी चाहिए, उस शुद्ध धारा को समझने के लिए गीता, फिर संतों का सत्संग, रास्ता मिल जाएगा। जहां स्तर उठेगा तो फिर हम घर नहीं छोड़ेंगे, घर ही हमको छोड़ देगा, भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। हम रहना चाहते हैं, जब रहने की जगह हो तब ना, भगवान जब कृपा करते हैं घर छुड़ा देते हैं। गुरु महाराज का कहना था, भगवान आदेश न दें घर छोड़ना पाप है, और आदेश दे दें तो घर में रहना भी पाप है। मौके आदेश देके ही घर छुड़वाया है, तनिको घर छोड़े का मन नहीं रहा हो। महाराज के बड़ी बढ़िया पहलवानी शरीर, पहलवानी की वो बादाम पिस्ता और पाव भर घी और 5 किलो दूध और आधा किलो बादाम रोज छन रही थी, और माई पीछे पड़ के जबरदस्ती ब्याह कर दिया, वो मेरी हो चिकन चिकन गोर के रही, नगदे रही। महाराज की बादशाह हम क्या करें। उनकी बोली, कान पकड़ के भगवान ने हमको घर छुड़ा दिया। मैं सचों के साधु, मुझे भगवान बनाया। गुरु महाराज ने भी पकड़ा तो एकांत, अपने शिष्यों को भेजा तो एकांत जंगल में, तो सदगुरु की हाट। जब गुरु का गुरुत्व प्राप्त हो गया, उनके पास अमूल्य वस्तु है, आत्म तत्व है, इस जीव का वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि उनके पास है, तो वो भी एक मार्केट। तो सदगुरु की हाट, अलग लागी अलग थलग शांत एकांत में। तो सदगुरु की हाट, अलग लागी उनके पास वस्तु, वस्तु है, पूरा राज दे दो, सर्वस्व दे दो, तब भी कीमत नहीं चुका पाओगे। वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, अमोल वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं। माता मीरा ने, कबीर ने, तुलसी ने इसकी कीमत पर बल दिया, पायो जी मैं तो नाम रत्न धन पायो। वस्तु अमोल, यदि राज और नवलखा हार देने से मिल जाता तो मीरा फेंक के खरीद लेती। उसने निर्णय दिया एक महारानी मीरा ने, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। तो आखिर क्यों दे दिया? तो कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रत्न धन पायो। भजन एक जागृति, राम राम रटते रहो, जब तक सदगुरु आपके हृदय से, आत्मा से अभिन्न होकर जागृत न हो जाए, मार्गदर्शन न करने लगे, तब तक भजन शुरू ही नहीं हुआ। पूर्ण निवृत्ति दिला देने वाला भजन आपके पास नहीं है। और वास्तव में सदगुरु के शरण सानिध्य से, उनके निर्देशन के अनुसार साधना और टूटी फूटी सेवा से, वो हृदय से, आत्मा से ही अभिन्न होकर स्वयं भी प्रसारित हो जाते हैं, उपदेश देने लगते हैं, आत्मा से अभिन्न होकर परम तत्व परमात्मा भी जागृत हो जाता है, वो प्रभु भी मार्गदर्शन करने लगते हैं। आत्मा परमात्मा सदगुरु, ये पर्यायवाची शब्द। तो वस्तु अमोलक, तो अमोलक दी मेरे सदगुरु, मूल्य से नहीं, करुणा और कृपा करके दिया। हम सदगुरु को कुछ भी नहीं दे सकते, है ही क्या जो दे दें। मिठाई चढ़ाते उलट पुलट के खुदे खा जाते हो यार। तो वो है आत्म तत्व, भजन की जागृति, आत्मा की जागृति, उन प्रभु का संरक्षण, उनके संरक्षण में चलते हुए आप दर्शन, स्पर्श और स्थिति, सदा रहने वाला जीवन और शांति, पुरुष अपना स्वरूप अपना धाम पा जाता है। अर्जुन हृदय से ईश्वर की शरण जाओ, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे, और स्थानम प्राप्सि शाश्वतम, शाश्वत धाम पा जाओगे। तुम रहोगे, तुम्हारा निवास रहेगा, घर रहेगा, और तुम्हारा जीवन रहेगा, वही जीवन सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु न हो, और ये सदगुरु से संभव है। तो वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, वहां बिल्कुल ओपन में रखी उनके पास, सब नहीं लेते। तो लेवेगा कोई बड़ भागी, सदगुरु की हाट अलग लागी।
बुद्ध का जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने कहा बहुत बड़ा महात्मा होगा या फिर चक्रवर्ती सम्राट। राजा ने कहा सम्राट हो जाए, बाबा ने हो पावे, लेकिन समय पर संस्कार काम, वो भाग्य रेखा ने काम किया, महापुरुष हो गए, भारत की शान हो गए। गीता कहती मानव मात्र का, बुद्ध ने मानव मात्र को दिया, अंगीकार किया। इसलिए बड़ भागी जिसके संस्कारों की रेखा किनारे पर है, ऐसे भाग्यशाली ही लोग उसको खरीदते हैं। और बाकी उन्हीं सदगुरु के पास जाके, महाराज बिटिया का ब्याह हो जाए, हमार प्रमोशन हो जाए, नौकरिया लग जाए, रुगवा ठीक हो जाए, वहीं तक भंजा पाते हैं। अमोलक वस्तु भंजाने वाला उन्हीं लोगों में से कोई होता है जो लेवेगा कोई बड़ भागी। ये बाहरी वस्तु मांगना गलत नहीं है, लेकिन ये वस्तु तो नहीं लिया हम, कुछ लेके लौटे, संस्कार पड़ गया, व्यर्थ नहीं जाएगा। इतनी बेसकीमती और वस्तु और एकांत का सेवन बड़े भाग्यवानी भाग्यशाली ही ले पाते हैं, संस्कारी पुरुष ले पाते हैं। तब तो वहां बहुत कम आते होंगे व्यापारी, बोले नहीं लाइन लगी है। आए व्यापारी सौदा करी गए, जन्म जन्म के अनुरागी। व्यापारी पहुंच गए, सौदा किया और लेके चले भी गए। कौन थे व्यापारी, कौन सी रकम लेके पहुंचे, जन्म जन्म के अनुरागी। गुरु महाराज को तीन बार आकाशवाणी हुई, एक बार आकाशवाणी हुई इन महात्मा को भोजन कराओ। एक महात्मा हाथ में डंडा लिए दौड़ में चले जा रहे थे, सीताराम 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 झंडा लिए। जहां महाराज को क्रॉस किया तो आकाशवाणी हुई इनको भोजन कराओ। सिर चकरा गया इतनी जोर से आवाज, थोड़ा बैठे, पुलिया का सहारा लिया, दो आदमी धान निरा रहे थे उनसे पूछा कुछ सुना। बोली यहां सुनने वाली कौन बात थी, आप भी चुप हैं हम लोग भी चुप हैं। तो महाराज ने सोचा आवाज तो इतनी बुलंद, हमारा सिर चकरा गया, आधा किलोमीटर में तो सबको भली प्रकार सुन लेना चाहिए था, ये पास बैठे नहीं सुनाई पड़ा, लगता कोई देवी घटना है। कुछ भी वो महात्मा को खिलाना चाहिए, उनको ढूंढा सुबह से 6 बजे शाम तक, मिले ही नहीं। फिर टकरा गए तो विधिवत भोजन कराया, फिर एक कुटिला ने निमंत्रण दे दिया। महाराज कहने तो हम छिनरा रहने कोई कल्पना रही, लेकिन भगवान की मर्जी से प्रेरणा चलने लगी उल्टी। उधर चले जा रहे थे रात को 8 बजे तो आकाश बोले मैं डर रहा हूं, कभी आगे बढ़ रहा हूं, पाप तो नहीं करने जा रहा हूं। बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। इतना ही नहीं प्रकृति में भय समा गया, मण मण भर के पांव हो गए हो, पांव हम उठा में उठे ही नहीं, जैसे हमारे पांव था है ही नहीं। आधा घंटे में शांति मिली, चुपचाप बगैर सोचे लौट पड़े। एक मंदिर के पास है आकाशवाणी हुई, इसमें गुरु महाराज हैं। गए तो अंधेर धूप खंडहर मंदिर, कोई दिखाई नहीं पड़ा। बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई, पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है, कौन जोर से बोलता, कौन आस्ते। आकाशवाणी हुई गुरु महाराज है इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई, वो महापुरुष बैठे थे, प्रकाश की व्यवस्था किया, 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रह गए, साधना का क्रम समझा और भजन में लग गए। महाराज महाराज हो गए, फिर लौट के नहीं गए। और वो महाराज, हमने पूछा महाराज क्यों आकाशवाणी हुई, बोले ये शंका हमें भी थी, जब हमने भगवान से पूछा तो भगवान ने बताया पिछले 7 जन्म का रिकॉर्ड, 7 जन्म से मैं लगातार साधु रहा हूं, 4 जन्म तो झूठे कमंडल लेके घूम रहा हूं बाबन के बीच में, कहीं अगरबत्ती सुलगा रहा हूं, कहीं किताब उलट रहा हूं, विभूतियों पोते हूं, तिलको लगाया हूं, सन्यासियों बना हूं, झूठे हैं। बोले झूठे मतलब महाराज, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन शरीर के मन और इंद्रियों के संयम से पक्का हूं, आता जाता कुछ नहीं, नामो जपत हूं, बाबन वाली बातें भी कह रहा हूं, आता जाता कुछ नहीं। तो एक कुतर्क था, ये शादी विवाह क्या होता है, एक और गांजा पी के बहुत झूमते हैं, उसमें कौन सा सुख है, दो कुछ कुलीनता का है।
इसीलिए हमें जन्म लेना पड़ा। और थोड़े ही समय में भगवान ने शादी विवाह करा के दिखा सुना के दो चटकना मारा, ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराज और कर भजन हो जा रहे थे काम की ओर, और भगवान ने कान पकड़ के घुमा दिया राम की ओर, गुरु महाराज भी पकड़ के दे दिया। बोले उन गुरु महाराज को हमने 500 बार पहले भी देखा था, लोग कहते थे वो पगला चला जा रहा है, मैं भी अपने मन में समझता था कि ये पागल हैं, लेकिन भगवान ने आकाशवाणी दिया कि तुम्हारे गुरु महाराज वास्तव में महापुरुष थे, सदगुरु थे, साधना जागृत हो गई। 4 महीने के अंदर भजन जागृत हो गया। गुरु महाराज की शरण जाने के पश्चात जैसे कोई अपने ही घर के आंगन में गड़ा हुआ धन पा जाए अरबों रुपए का, पूर्वजों का गड़ा हुआ, अनायास जागृति हो गई। भगवान श्वास श्वास पर नियंत्रण करने लगा, उठा के बैठाने लगे, भजन पढ़ाने लगे, भजन कराने लगे। ये जन्म जन्म का संस्कार था। तो आए व्यापारी सौदा कर गए, तो जन्म जन्म के अनुरागी, वो 7 जन्म से अनुरागी थे। सृष्टि में लगाव का नाम है राग और प्रभु के प्रति लगाव का नाम है अनुराग, इष्ट के अनुरूप लगा। आगे कहते हैं जब गुरु से वस्तु सौदा मिल ही गया तो उस साधक की साधना कैसी होती है, तो पड़े रहे मैदान गढ़ी में, वो गढ़ी में पड़े रहते हैं, मैदान में पड़े हैं, गढ़ी में पड़े हैं, मैदान है, दीवाल एक भी नहीं है और गढ़ी में पड़े हैं, वास्तव में हृदय ही एक गढ़ी है। वो सब और से चित्तवृत्ति को समेट के सूरत को स्थिर कर लेते हैं, मनुष्य वहीं रहता जहां उसका मन रहा करता है। कामना रहते हुए तो कोई अंदर बैठ ही नहीं सकता, जैसी कामना उदरी खिंचा होगा मन सन दिन उड़ के वहीं पहुंच जाएगा। तो सकल कामना जिन त्यागी, भरतरी हरि गोपी चंद पूर्णमूल ये सब के सब राजा थे, एक ही समय थे। गोपी चंद उनका भरतरी हरि का भांजा था, भाई ने, उनके पिता स्वर्गवास हो गया, 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी में बैठ गया, घोड़सवारी किया और सिपाहियों को लिया और शिकार को। एक दिन शिकार से लौटा तो राजकीय उद्यान में तमाम सण से गड़े थे, तमाम धुने जल रहे थे 500 करीब। वास्तव में जलंधर नाथ अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंच गए, और उनका पिता राजा चेला भी था, जब आते थे तो वहीं टिकाई करते थे। गोपीचंद बिगड़ा, ये क्या बगीचे का सर्वनाश कर दिया, सिपाहियों को बिगड़ा, तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं। बोले अरे नहीं, ये जलंधर नाथ, क्रोध में जाके खड़ा हो गया, कमर में हाथ धर के दंड ने प्रणाम। तो जलंधर नाथ ने कहा बच्चा कुछ खाने को देगा, तो इशारा किया सिपाही को, घोड़े ने जो लीद की थी, बोले ये डाल दे इनके खप्पर में, डाल दिया लीद। बिगड़े महात्मा दब नालायक, इस घर में तेरे ऐसे नालायक ही पैदा होना था, तो बोले इस बाबा को कुएं में फेंक दो। फेंक दिया कुएं में, ऊपर से लीद भर दो, भोजन किया करें, भजन करें। चंपारण तरफ 5 हाथ के कुएं होते ही हैं, 5 फीट 6 फीट 4 फीट में पानी निकल आता है, गड्ढा उच्च जल जल जमीन तराई एरिया, छोटा ही कुआ था, फेंक दिया ऊपर लीद भरवा दिया और गया घर। 200 करीब दासियें वो चंदन मिश्रित खुशबूदार जल से स्नान करा रही थी, और माँ ऊपर दूसरे खंड में खड़ी रो रही थी, आंसू टपक रहे थे। तो नहाते नहाते उसकी निगाह गई माताजी के ऊपर, बोले माताजी आपके आंखों में आंसू। बोले बेटा मैं दुखी हूं। बोले क्या दुख है, मैं पहले दुख दूर करूंगा बाद में स्नान। बोले दुख भी तुम्ही को दूर करना है। बोले कौन सा दुख है बताइए, मैं अवश्य दूर करूंगा। बोले बेटा ये सफल होता तुम दुख दूर कर सकोगी, हमें अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम कर पाओगे। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दुख अवश्य दूर करूंगा माता जी का। तो बोले बेटा ये कंचन ऐसी काया जो सहलाई जा रही है नहलाई जा रही है ना, ये कल खाक में मिल जाएगी, यही हमें दुख है। तो बोले माता जी इसका उपाय क्या है। बोले जाओ गुरु जलंधर नाथ की शरण जाओ,
बोले एक जलंधर नाथ को मैं कुएं में फेंक के आया हूँ। बुढ़िया भागी घबरा के, निकाला बाहर, घोड़े गिरी, माफी मांगा, कोई लाभ नहीं। अब गोपीचंद को क्षमा कैसे दिलवाएं? तो गोरखनाथ वगैरह बड़े गुणी थे, एक पुतला बनाया घास धान का, पुआल का खड़ा किया, आड़ में गोपीचंद को खड़ा किया और बोले प्रणाम करो। बोले गुरुदेव आदेश। बोले तुम कौन? बोले गोपीचंद। बोले जाओ बस लो जाओ। तो पुतलवा जल गया और बच गया। सात बार ऐसा किया, फिर गोपीचंद को चरणों में गिराया तो बोले अरे तू अभी जिंदा है, तुमको ये युक्ति किसने बताई? बोले गुरुदेव आप ही ने बताई, आपके शिष्य गोरखनाथ ने। बोले ठीक, तो फिर उठा कमंडल। कमंडल उठा, वो हो गया साधु। बोले जाओ अपनी माता से भिक्षा मांग के लाओ। तो मातरिया के पास पहुंचे तो माता ने पांच भिक्षा दी, किले में रहना, मशहरी में सोना, मोहन भोग खाना, शूली पर चढ़ जाना, परिवार बदल के रहना। उस समय तो भिक्षा के चार ही पॉइंट थे, इसमें पांच हैं। महल तो छूट गया और मोहन भोग, महल छूट गया, सोने की थालियां छूट गई, छप्पन प्रकार छूट गया, दूसरे के टुकड़े पर आधारित हो गए, मोहन भोग कहां मिलेगा? बोले माता जी इसका मतलब क्या हुआ? बोले ये अपने गुरु से पूछो। सीधे जलंधर नाथ के पास पहुंचा, प्रणाम किया, गुरुदेव यही पांच भिक्षा मिली है और का इसका अर्थ? गुरु से पूछो। किले में रहना कैसे संभव है गुरुदेव? बोले देख बाहर वाले किले तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, आज तुम्हारा किसी ने जीत लिया तो उसका, तुम्हारा निजी किला है तुम्हारा हृदय, चित्त वृत्ति बाहर है तो मनुष्य वहीं रहता है जहां वृत्ति मन उड़ान भर रहा है। मन से इंद्रियों को संयमित करके चित्त वृत्ति को श्वास में लगाओ, सूरत अचल स्थिर हृदय में स्वरूप चरणों में लगाओ, जब सूरत टिक जाएगी तो तुम वहीं निवास करो, बाहर मत निकलना, सदा अंतर्मुखी होकर रहो, किले में रहना। तो बोले मशहरी में सोना, माया के राग द्वेष इच्छाओं के वासनाओं के संग दोष से कीटाणु उड़ाई करते हैं बेटा, तो सदैव संयम की मशहरी के अंदर रहना। बोले भगवान मोहन भोग, जब कचाका भूख लगे 24 घंटे में एक बार, तो सूखी रोटी खाओगे तब भी हजम हो जाएगा, तुम्हें रस मिलेगा, भोजन के लिए जो उपयुक्त शरीर को रस चाहिए वो जिस मात्रा में चाहिए वो मिलेगा, कुछ भी खाओगे सब हजम होगा, यदि कम खाओगे एक मीटिंग तो तुम्हें बीमार भी कभी नहीं पड़ोगे और तुम्हें भजन में निरंतर लगने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। मोहन भोग, जब मन में अत्यंत आवश्यकता हो भोजन की, भूख कचाका लगे, तब एक एक ग्रास मोह लेगा, खाओगे और तुम्हें रस भी प्रदान करेंगे। मोहन भोग जो थाली में परोसा रहता है ना, वो लोग नहीं खाते, थाली ही उनको खाती है, कभी चटनी चाटेंगे, कभी उधर चाटेंगे, हो गया भोजन, होता है कि नहीं? लेकिन एक 24 घंटे के उपवास के बाद जो भी सामने आया रस बनेगा, शरीर को जिस मात्रा में रस की जरूरत है वो मिलेगा और साधना में शरीर हल्का रहेगा, तो बराबर तू चिंतन में लगे रहोगे। शूली पे चढ़ जाना, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेशन लह गई बारा। ज्ञान का पंथ तलवार की धार का चलना है, किसी ने शूली कहा, मुश्किल अगम पंथ का चलना धारा खांडे छूरों का, किसी ने खांडे की धार कहा, शूली पे चढ़ जाना। सिर कटाना आसान है, शूरा होना सुगम है, घड़ी पहर का काम, साधु होना कठिन है, आठ पहर संग्राम, ये कांटों का शूली का रास्ता है, शूली पे चढ़ जाना। अर्थात भजन के इस माना की कठोर पथ है, योग के पंथ कृपाण की धार है, लेकिन बेटा इस व्रत को ले लेना, इस व्रत पर आरूढ़ हो जाना, शूली पे चढ़ जाना, परिवार बदल कर रहना, भूल जाओ कि हमारी माताजी फलाने की महारानी और फलाने वो रानी तो वो राजा, कुछ नहीं, परिवार बदलो। ज्ञान ही पिता है, भक्ति ही माता है, इस शरीर का जन्म माताओं से है, तुम्हारे सह स्वरूप की जागृति और स्वरूप की प्राप्ति उपलब्धि भक्ति से है, भक्ति ही माता है,
और इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति वृत्ति ही बहन है। विवेक वैराग्य समदम ये निरंतर तुम्हारा साथ निर्वाह करने वाले सगे सहोदर भाई हैं और इन्हीं के सहारे से तुम चलकर अपने ही स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। तो परिवार बदल कर रहना, तो जब आए व्यापारी सौदा कर गए, कौन व्यापारी को जन्म जन्म के जो पथिक थे वो, और जब सौदा भली प्रकार प्राप्त हुआ तो भजन में मन लग ही गया। महाराज कहने 4 महीने में मन लग गया। कोई बाजू में आके बैठ जाए तो बोलने का मन न करे, देखने का मन न करे, मन करे कि कब उठ के चला जाए। और एक बार सूरत लग गई तो मन करे कि रात दिन ऐसे ही डूबा रही, श्वास सूरतिया टंगी रहे, श्वास में मैं बैठा रहूं। और जबकि बीते थे 4 ही महीना, कारण जन्म जन्म के अनुरागी थे, यह आखिरी प्राप्ति वाला जन्म था। और जहां वस्तु मिल गई तो उस पड़े रहे मैदान, बिल्कुल मैदान में यहां पड़े रहे, प्लेटफॉर्म पर पड़े रहे मैदान, किंतु होते हैं गढ़ी में, हृदय देश में। तो पड़े रहे मैदान गढ़ी में, सकल कामना जिन त्यागी, सदगुरु की हाट अलग लागी। समस्त कामनाओं का जिन जिसने त्याग कर दिया, उसकी चित्तवृत्ति सिमट के हृदय में गढ़ी में स्थायित्व लेगी, तब वो पड़े रहेंगे। फिर उनके ऊपर किसी सृष्टि के वातावरण का ने भला प्रभाव पड़ेगा न बुरा। कामना ही हमें भटकाती जब वो त्याग दिया। अंत में कहते हैं कबीर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भक्ति भीख उनसे मांगी, सदगुरु की शरण में जाओ, कदाचित कुछ मांगना ही पड़े तो भक्ति की भीख मांगो। विभक्ति माने विभाजन होता है अलगोजी, भक्ति माने दर्शन स्पर्श और प्रवेश, उनसे मिल जाना होता है, उनके तद्रूप स्थिति पाना होता है। भक्ति की चरमोत्कृष्ट अवस्था यही है। तो कदाचित मांगना ही पड़े तो भक्ति की भीख मांगो। तो भक्ति भीख उनसे मांगी, और कुछ मत मांगना, तो सदगुरु की हाट अलग लागी। सदगुरुओं की हाट अलग थलग एकांत शांत जंगलों में व्यावान में, क्योंकि साधना के लिए 24 घंटे का 365 दिन का एकांत चाहिए निरंतर। 2 दिन भजन, 30 दिन मार्केट, वो साधु 2-4 जन्म का झटका खा जाता है। ये भजन महाराज का, ठीक है ना। ये महात्मा कैसे भी बोले, निर्णय साधना का होगा, वो इसके बाहर कुछ बोल ही नहीं सकते। और जो गीता का सिद्धांत है, इस दुकड़ी भाषाओं में, विविध भाषाओं में, करोड़ों भाषाओं में है, लहजा चाहे जो हो, लेकिन तथ्य गीता के ही उद्घाटित होते हैं। गीता ने जो सत्य उद्घाटित कर दिया, उसके बाहर आज तक किसी ने कुछ कहा ही नहीं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।